नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है एन के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर आठ पर हमसे जुड़ने का एक और रास्ता है आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल यानी एन ऑफिशियल और दर्शकों अगले आधे घंटे के लिए हम लेकर आए हैं एट्थ स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए साइंस का एक प्रोग्राम और आज का हमारा विषय रहेगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस सो एज यू ऑल नो दैट दे आर सर्टिन चेंजेस द फिजिकल चेंजेस द साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड एनी अदर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपन्स वेन वी एंटर फ्रॉम द स्टेज ऑफ चाइल्ड हुड टू एडोलोसेंस और प्यूबी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द सेशन टूडे एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग To the expert for the program, here is an important piece of information for all of you regarding G20 presidency. We are proud of the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding Global Pragmatic Solutions for the well being of everyone and in doing so manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam or should I say the world is one family. So allow me to introduce you with the expert for today's science session with us is Rehana Kureshi, ma'am. Namaskar ma'am. Namaskar. Ma'am is ex-transformational teacher at Teach for India organization placed at Navyug school. सरोजनी नगर न्यू डेली म्यूनिसपल कॉरपोरेशन व्यूअर्स इन दिस लाइव सेशन इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन रीच आउट टूअर्स थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर को ज़रूर नोट डाउन कीजिए एट एट जीरो ज़ीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन और एट्थ स्टैंडर्ड के हमारे सभी बच्चों के लिए एक आधिकारिक मेल आई भी आपकी स्क्रीन पर है डी टी एच डॉट क्लास एट ऐट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं देखिए जैसे कि सिमरन जी ने बताया आज हम अडोलिसंस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ अ पर्सनस लाइफ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे जी जैसे मैम ने शुरू में इंट्रोड्यूस किया कि देर आर सर्टिन चेंजेस दर ए इंडिविजुअल अंडर गोज ड्यूरिंग दिस फेज़ तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के फिज़िकल इंटेलेक्चुअल, इमोशनल किस किस तरह के चेंजेस होते हैं वो हम जानने की आज ज़्यादा इस सेशन के थ्रू कोशिश करेंगे बिल्कुल तो चलिए शुरुआत करते हैं आ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अडोलिसंस क्या है इस तो ये किस तरह से इस फेस को हम समझ सकते हैं जी जी तो अडोलेसंस की सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अडोलीसेंस जो फेज़ है वो किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक चलता है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये 11 साल की एज से लेकर 18 से 19 साल की एज तक चलता है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें सबसे मेजर चेंज जो है वो हमारा होता है रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी को अटेन करना अब इससे रिलेटेड हम आगे जानेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी को अटेन करता है इसको हम सिंपल भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं अडोलेसेंस को कि एक चाइल्ड की ये जर्नी है चाइल्ड hmm. से लेकर जब वो एडल्ट बनता है उसकी एक जर्नी का जो ये फेज है उसको हम कहते हैं अडोलेसेंस uh, का फेज इट कैन गेट वेरी ट्रिकी बहुत uh, सारे चेंजेस से अंडरगो करना पड़ता है एक इंडिविजुअल को बट दियाट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू अंडरस्टैंड सो दिस सेशन इज नॉट जस्ट फॉर किड्स ऑफ एथ ग्रेड But it can be very informative session at the same time for parents and teachers, uh, for teachers or those who are working with students. So, uh, yeah, if you are adolescents and uh, you are currently watching this session, I really encourage you to, uh, you know, call your parents and make them sit with you and uh, you know learn something new today. Very yeah. Cool. किशोरावस्था के बारे में आज हम सीख रहे हैं जान रहे हैं तो मैम जैसे आपने चेंजेस के बारे में बात की तो किस तरह के बदलाव जो हैं वो बच्चों में देखने को मिलते हैं आ, इस अवस्था में बहुत तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं एंड इसे आ, एज ऑफ ट्रांजिशन ही कहा जाता है और ये फेज ऑफ चेंज कहा जाता है इसे सिंपल वर्ड्स में इसमें इतने से टाइम फ्रेम के अंदर ही मतलब देखिए ग्यारह साल से लेकर आ, अठारह उन्नीस साल की एज में इतने से टाइम फ्रेम के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं जितने पूरी एक लाइफ के अंदर नहीं आते हैं जिसमें हैं फिजिकल चेंजेस इमोशनल चेंजेस इंटेलेक्चुअल चेंजेस हम किस तरह से सोचते हैं हमारा नज़रिया किस तरह से वर्ल्ड के प्रति शेप होता है वो सारे चेंजेस के बारे में हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यूबर्टी की देखिए एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन प्यूबर्टी जो है वो डिफ़र करती है वेरी करती है मेल uh, और फीमेल में कि उनका टाइम एज फ्रेम क्या रहे देखिए 11 से 16 साल तक प्यूबर्टी जो है वो लड़कों में होती है और 10 से 15 साल तक की एज में प्यूबर्टी हमें गर्ल्स में देखने के लिए मिलती है देखिए पर अब हम समझ लेते हैं प्यूबर्टी है क्या देखिए अडोलसेंस का ही एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्यूबर्टी इसमें क्या होता है हम अपनी रिप्रोडक्शन की मचोरिटी पे पहुंचते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हम प्यूबर्टी को जब अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे अभी हमने टाइम फ्रेम उसका समझा और हम हम केपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए यानी कि अपनी संतति को जन्म देने के लिए अपनी नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए जिस स्टेज में एक इंडिविजुअल केपेबल हो जाता है उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं अब हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो एक इंडिविजुअल इस टाइम जो फ्रेम है उसके अंदर अंडरगो करता है देखिए फर्स्ट इज़ हाइट इंक्रीज़ होती है बॉडी शेप हमें पता है इंक्रीज़ होता है बॉडी शेप चेंजेस आते हैं बहुत सारे जो लड़के और लड़कियों में फ़र्क दिख सकते हैं देखिए हमारी वॉइस चेंज होती है लड़कियों की हम देखते हैं कि थोड़ी सी हाई पिच की वॉइस हो जाती है लड़कों की थोड़ी सी डीप वॉइस हो जाती है अभी हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्वेट uh, इस अवस्था में बहुत लड़के और लड़कियों को आने लगता है बेशस ग्लैंड के बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है और क्यों एक्टिवेट होते हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त पर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इस जो है अवस्था में पूरी तरह से हो जाता है और मेंटल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मेचोरिटी की तरफ फिर हम बढ़ते हैं प्यूबर्टी की जब हम प्यूबर्टी को की मेचोर स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो या अब हम इन पॉइंट्स के बारे में ना एक एक करके बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा हाइट बढ़ने की हमने बात की थी देखिए हाइट जब बढ़ती है हमारी लड़के और लड़कियों में सेम जैसे कि हमने बात की इसमें भी सेम हमारा रेशियो नहीं रहता है लड़के लड़कियों में दोनों में दोनों सेक्सेस में ये डिफ़र करता है थोड़ा सा अब हमारी जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है इसके अंदर वो होती है हमारी आर्म्स की बोन्स और लेग्स की बोन्स इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है हाइट में नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज इन बॉडी शेप की और मैम ये जो चेंजेस हैं ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से हो सकते हैं आई मीन इट वेरीज फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स इवन इन बॉयज़ प्यूबर्टी माइट रीच अर्ली टू वन बॉय एंड लेटर टू द इना वन थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए क्या होता है अब हम देखते हैं कि हमारी एज के लोग हैं पर क्या सबकी हाइट सेम है ऐसा नहीं, नहीं है लेकिन कभी कोई कोई एक दो साल बाद बहुत लंबा हो गया है और हम इस वक्त पे अभी लंबे हो गए थे बिल्कुल तो ऐसा देर आर सो मेनी हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑल्सो दैट प्ले देयर रोल ह्योर तो क्या होता है जो हमारे जीन्स हम अपने पेरेंट्स से अक्वायर करते हैं आ, वो प्ले अ मेजर रोल इन दिस तो क्या होता है जी दर्शकों ये बहुत से चेंजेस हैं जिनके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अगला जो चेंज मैम पढ़ा रही हैं वो है चेंज इन बॉडी शेप मुझे लगता है मैम ये टॉपिक बहुत ज़रूरी भी हो जाता है बच्चों के लिए व्हेन दे आर रीचिंग दिस स्टेज कि इन्हें समझना विस्तार से इसके बारे में जानना और एक और मेजर पॉइंट है जब भी बच्चे की शोरावस्था में आते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फ़िज़िकली जिनमें बहुत चेंजेस होते हैं जैसे एक्ने हो जाता है आपके फेस पे मार्क्स या फिर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं तो बच्चे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ऐसे में तो इसे किस तरह से पेरेंट्स कैसे डील कर सकते हैं इस चीज़ के साथ और टीचर्स भी कैसे इसे कन्वीनियंटली क्लासरूम में समझा सकते हैं हाँ जी आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो रेज़ किया है देखिए इस पीरियड के दौरान क्या होता है हमारी जो है सबेशियस ग्लैंस बोलते हैं एक ग्लैंस है हमारे पास वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक्टिवेट हो जाती हैं अब उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है बॉडी में तो जब स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और हम सब जानते हैं कि ऑयल इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने प्रोडक्शन तो जब एक्ने बहुत ज़्यादा स्किन पर हो जाते हैं Uh, तो उसके लिए ये सबेशस ग्लैंस uh, जो है वो रिस्पॉन्सिबल uh, हैं और ये इस दौरान जैसे मैंने बताया बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होती हैं तो हम बहुत से लोगों को देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान वो एक्ने से गुजर रहे हैं लेकिन जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ये स्टेज ही कुछ ऐसी है जिसमें देर आर सो मेनी चेंजेस एन इंडिविजुअल अंडर और विच इज़ सो नैचुरल विच इज़ नेचुरल या तो हम इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि हाउ हम एज एन एज एडल्ट इन द लाइफ्स ऑफ यू नो आर स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रन हम किस तरह से uh, इस चेंज को नेचुरली एक्सेप्ट करने में और कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करने में हम उन्हें केपेबल बना सकते हैं इसके बारे में हम आगे uh, विस्तार से ज़रूर बात करेंगे बिल्कुल हाँ तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी में चेंज किस तरह से बॉडी शेप में हमारे चेंज होते हैं देखिए लड़कों के जो हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शोल्डर्स जो हैं ब्रॉड हो जाते हैं है ना उनकी चेस्ट बहुत ब्रॉड हो जाती है और मसल्स उनकी लड़कियों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो होती हैं और लड़कियों का हम देखते हैं कि पेल्विक आ, रीजन जो है वो वाइड हो जाता है हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं ब्रेस्ट उनके डेवलप हो जाते हैं इलाज भी हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि मेमोरी ग्लैंड भी इस टाइम पर डेवलप होती हैं ब्रेस्ट के अंदर जो कि मिल्क सक्रीशन ग्लैंड होती हैं आगे हम बात करते हैं वॉइस चेंज किस तरह से हो जाती है देखिए कभी कभी बड़ा फ़नी भी लगता है कि हमारे साथ हम पढ़ रहे हैं स्कूल में और hmm. आ, साथ में हमारे आ, लड़के लड़के हम साथ में पढ़ रहे हैं एकदम से कुछ वक्त में मतलब भारी आवाज़ हो गई है लड़कों की डेप्थ इन वॉइस डीप वॉइस हो गई है और लड़कियों की थोड़ी सी तीखी करकश सी आवाज़ हो गई है तो वो बच्चों वाली वॉइस अब नहीं रह जाती है तो ऐसा क्यों होता है हमारे आ, गले में जहाँ मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ पर हमारा है एक वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं अब ये वॉइस बॉक्स जो होता है वो इस पीरियड के दौरान जो है वो तेजी से आ, विकसित होता है अब जब ये बड़ा हो जाता है बहुत तो हम जैसे लड़कों में देखते हैं लड़कों का लड़कियों के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है तो हम लड़कों में देखते हैं यहाँ पे कुछ निकल सा आता है थोड़ा उभार सा साडम एप्पल जिसे हम एडम सैप्पल कहते हैं एक्जैक्टली exactly. अब हम देखेंगे एक बार एडम सेप्पल की तस्वीर ये जहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है ये है एडम्स एप्पल लड़कियों में ये थोड़ा कम विकसित मतलब उतना साइज में नहीं विकसित होता है तो हम लड़कियों के में हम बाहर नहीं देख सकते लेकिन बहुत सारे लड़कों में हम ये बाहर देख सकते हैं एड एन चलिए आगे हम बात करते हैं इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्पेशस क्लांस इसके बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं अभी कि किस तरह से ये प्रोड्यूस करता है ऑयल स्किन के अंदर और जब ऑयल स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है तो किस तरह से हमें एक्ने हो जाते हैं और आ, मतलब एक मिथ भी है बहुत ज्यादा कॉमन कि चॉकलेट ज्यादा खाते थे इसलिए एक्ने hmm. हो गए And या जंक फूड खाने से हो गए एक्ने हो गए मतलब और डांट पड़ती थी आ, अभी भी बच्चों को डांट पड़ती है सो इट्स अ कॉमन मिथ कि मतलब इट्स एनी वेज नॉट हेल्दी टू ईट इट ऑफ जंक चॉकलेट्स और चॉकलेट या एनी इट्स वे इज नॉट वेरी हेल्दी बट देन अगेन इट्स नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एक्ने ऑन स्किन या चलिए मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे इस वक्त के दौरान सेक्स ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप होते हैं देखिए मेल सेक्स ऑर्गन्स में हम देखते हैं कि टेस्टीज़ और पीनस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं इसमें और टेस्टीज़ जो हैं वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं लड़कियों की ओवरीज इलाज हो जाती हैं एग्स भी मेचोर हो जाते हैं और ओवरीज जो हैं वो अब मेच्योर एग्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं आगे हम बात करेंगे मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेचोरिटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वुड रियली लाइक टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम डिस्कसिंग दिस अडोलिस का पीरियड जो है ना वो चेंज का ही पीरियड है बहुत ज़्यादा चेंज हो आते हैं जैसे हम इतने सारे फिजिकल चेंजेस की अभी हम बात कर चुके हैं कितने सारे फिजिकल चेंजेस अभी हम बच्चे हैं बचपन से हमारा ट्रांजिशन एडल्टुड में हो रहा है लेकिन वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है वो बड़ा क्रूशल पीरियड है उसमें हम तरह तरह के डिफरेंट इमोशंस फील कर रहे हैं कभी हम कंफ्यूज फील कर रहे हैं कभी हम अपने ही बारे में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और लोगों के साथ क्या होता है आ, इस एज ग्रुप के लोगों के साथ बेसिकली ये होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेके ना सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं लोग तो, कि हम किस तरह से दिख रहे हैं या किस कोई हमारे बारे में किस तरह से किस सोच सरस्थ? रहा है बिल्कुल ये जो परसेप्शन की बात है ना कि मेरा परसेप्शन सामने वाले के पास कैसा जा रहा है तो वो बड़ा क्रूशल हो जाता है इस एज के दौरान तो फॉर आज एज डल्स इन द लाइफ ऑफ अर चिल्ड्रन चाहे हम टीचर्स हों चाहे हम पेरेंट्स हों बड़े सिब्लिंग्स हों हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है टू मेक दिस ट्रांजिशन पीरियड स्मूथ फॉर आर चिल्ड्रन एंड टू ऑल्सो मेक दम अंडरस्टैंड कि इट्स नेचुरल इट्स ह्यूमन टू फील दिस वे वट एवर योर फीलिंग जायज़ है ऐसा फील hmm. करना और ये नेचुरल है हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं ये भी उन्हें बताने की ज़रूरत है तो दिस इज ऐसा कुछ नहीं है कि आप को कुछ बहुत अलग सा कुछ ऑकवर्ड सा आपके साथ हो रहा है विच मेक्स इट स्लाइटली ईजियर फॉर देम टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्या अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज फेज किस तरह का होता है ह्यूमन लाइफ में देखिए हमने बात की थी कि प्योरिटी की बात की थी और रिप्रोडक्शन uh, की जो मेचोरिटी है उस पर पहुँचने की हमने बात की है अभी हम देखते हैं कि थ्रू आउट लाइफ कैसे दिखता है ये देखिए फीमेल्स की जो होती है कैपेसिटी वो मेल्स की कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है तो 40 टू 50 इयर्स तक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फ़ीमेल्स में होती है मेल्स में उनकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है और बाकी हमें ये पता ही है कि वो रिप्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा कि वो स्टार्ट कब होता है प्यूबर्टी पे ही हमारा रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुडे सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है दिस अगेन सिमरन जी आपको भी पता हुआ देर आर लॉर्ड ऑफ मैथ्स कि किस तरह से सेक्स uh, डिटरमिनेशन होता है कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन रिस्पॉन्सिबल है लाइक लैक ऑफ एजुकेशन Yes. और उन सब की वजह से अवेयरनेस जागरूकता नहीं है नहीं इसके है. प्रति और तभी इस तरह के विषय हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं ताकि विस्तार से हम समझ सके कि किन कारणों की वजह से कौन 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 रिस्पॉन्सिबल रहता है किस तरह के चेंजेस बच्चों के साथ किशोरावस्था में आते हैं ताकि बच्चे ऑकवर्ड ना फील करें कॉन्शियस ना हो समय समय पर उन्हें यह ना लगे कि आज हम कैसे लग रहे हैं आज हमारे बारे में कोई कैसे सोच रहा है अच्छा अगर इसकी आवाज़ भारी है तो मेरी तो नहीं हुई तो क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटीज़ में सब बहुत अलग होते हैं एंड वी आर यूनिक इन आर ओन पर्सनालिटीज़ एब लेट्स गेट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ या एब्सोल्युटली चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली किस तरह से होता है ह्यूमंस में uh, देखिए क्या होता है हमारे पास ना ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं अब उन ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम्स का होता है जो कि एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि जो हमारी आने वाली संतान है, वो बॉय होगी या गर्ल होगी राइट अब प्रजनन के जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है देखिए गर्ल के पास हैं जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स हैं वो एक्स और एक्स है और बॉय के पास क्या है यानी मेल के पास क्या है मेल के पास है हमारे एक्स और वाई सेट ऑफ क्रोमोजोम्स नाउ प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान फीमेल बॉडी रिलीज़ करती है सेक्स क्रोमोज़ोम अब उनके पास तो एक्स और एक्स ही हैं तो वो प्यारे बच्चों वो क्या रिलीज़ कर सकते हैं वो तो एनी एक्स ही रिलीज़ कर सकती हैं और मेल बॉडी क्या रिलीज़ कर सकती है, तो है।, है? आइदर एक्स और वाई राइट तो जब ये क्रोमोज़ोम्स मिलते हैं अगर एक्स एक्स का आपस में मिलन हुआ है तो हम देखते हैं कि एक्स एक्स से क्या प्रोड्यूस होता है एक्सएक्स से हम देख सकते हैं कि hmm. कि वो गर्ल चाइल्ड एक गर्ल चाइल्ड होगा और एक्स वाई से हम क्या देख सकते हैं कि बॉय 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 चाइल्ड 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 वो होगा तो आज हमने स्मिथ के बारे में भी बात की कि किस तरह से आ, लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं दूसरे उसको राइट right? बट हमने रियल फैक्ट को उसके बारे में जाना चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की विच इज क्रूशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज बैलेंस डाइट खाना हमें बहुत जरूरी है पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी है और फिजिकल एक्सरसाइज टाइम पर करना बहुत बहुत ज़रूरी है चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं बैलेंस uh, डाइट का चार्ट उसमें क्या क्या मौजूद है देखिए बैलेंस जिस तरह से नेम सजेस्ट कर रहा है बैलेंस दे हैजू बी ए गुड बैलेंस एंड राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस होने चाहिए जो भी हम खा रहे हैं स्पेशली डूरिंग दिस पीरियड देखिए ये वो पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी बढ़ रही है ग्रोथ का सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है तो हमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस की ज़रूरत होती है सो टीचर्स एंड पेरेंट्स प्लीज कीप अट ऑफ दिस की किस तरह से हम बच्चों की डाइट को प्लान करें डिज़ाइन करें और सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम हेल्दी एडल्ट इन द फ्यूचर अब बात हम करेंगे पर्सनल हाइजीन की फिजिकल एक्सरसाइज की देखिए क्योंकि हमने बात की कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इस वक्त में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियली कीप आवर बॉडीज़ क्लीन हम अच्छे से नहाएं दिन में uh, एक बार तो कम से कम नहाएं ही जैसे हम जाते हैं स्कूल स्कूल से वापस आते हैं इफ़ यू आर फीलिंग वेरी स्वेटी आने के बाद हम दोबारा uh, शावर लेने का कंसिडर कर सकते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियली टेक केयर ऑफ आर पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग दिस टाइम अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हो सकते हैं हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं राइट और अब बात करेंगे फिज़िकल एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए फिज़िकल एक्सरसाइज क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है हमने बात की हमारी रिप्रोडक्टिव जो है क्षमता का विकास हो रहा है हमारी हाइट का विकास हो रहा है सारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे हैं हमें भी बॉडी का साथ देते हुए वॉक करनी है आउटडोर गेम्स खेलने एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हम एक हेल्दी एडल्ट के रूप में आ, सामने आ सकें फ्यूचर में यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से नो टू ड्रग्स या वी आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ये जो uh, वक्त है ना ये जो टाइम पीरियड है ना सिमरन जी इट्स वेरी क्रूशल एंड इस वक्त में क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं बच्चे बहुत वॉलरेबल हैं बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि आ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है आप अपनी बात को रख नहीं सकते बता नहीं सकते बच्चे डर रहे हैं तो क्या होता है अगर बच्चे इस वक्त के दौरान में गलत कॉन्टैक्ट्स में आ गए और किसी ने उन्हें यही सही बताया कि नो ड्रग्स ले लो ऐसे ठीक हो जाएगा या

Absolutely normal. Every individual goes through these changes. Uh, there's nothing to worry about, and most importantly, to say that I am here for you. Uh, you can count on me. You can always come to me and talk to me about the about anything that is making you anxious. Uh,

और जितने भी दर्शक आज हमारे साथ साइंस के सत्र में जुड़े थे मुझे उम्मीद है कि आज का यह प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा दर्शकों इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए यह जानकारी एन की पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी हुई है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एन सी की विभिन्न पाठ्यपुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं आप इन्हें खरीद सकते हैं एन के अलग अलग सेल्स काउंटर्स यानी बिक्री काउंटर्स से यह सेल्स काउंटर्स नई दिल्ली अहमदाबाद गुवाहाटी बैंगलौर में स्थित हैं और यदि आप पी यानी सॉफ्ट कॉपी वर्जन में इन टेक्स्ट बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए साथ ही ई e वेबसाइट जो ई पाठशाला वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इन टेक्स्ट बुक्स को और एन की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी और इसके अलावा दर्शकों यदि आप चाहते हैं कि आप इन टेक्स्ट बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर पढ़ें तो उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जरूर नोट डाउन कीजिए हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है www.ncertbooks.ncert.gov.in और अधिकृत विक्रेताओं यानी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू यह एन की आधिकारिक वेबसाइट है और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ आज के इंग्लिश साइंस के एक सत्र में जुड़ने के लिए और दर्शकों आप सब कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ ही समय बाद हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए मैथमेटिक्स का ये सत्र इससे अगला सत्र रहेगा गणित का और यह सत्र है कक्षा आठवीं के सभी आर्थियों के लिए और हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में तो आप देखते रहिए ई विद्या चैनल्स एंड स्टे कनेक्टेड विद एन ऑफिशियल नमस्कार